पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद का प्रचार प्रसार होता है। जी हाँ, पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी एक संस्था पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर दूर अकोरा खट्टक में मौजूद है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के रूप में जाना जाता है। किसकी शह पर पाकिस्तान के मदरसों में आतंक का खुला खेल खेला जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। भारत से हर पहलू पर मात खाने के बाद अब पाकिस्तान नन्हे नन्हे बच्चों को आतंक की राह दिखा रहा है। ये खुफिया जानकारी पाकिस्तान के मदरसों से मिली है, जहां खुलेआम बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। इन मदरसों को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से जाना जाता है। ये संस्था पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर दूर अकोरा खट्टक में मौजूद है। हैरानी की बात तो ये है कि दारुल उलूम हकानिया मदरसे को पाकिस्तान की सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ है। जिहाद यूनिवर्सिटी की मुख्यधारा को राजनीतिक दलों और धार्मिक गुटों के साथ संबंधों से काफी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी चरमपंथी और आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े हुए हैं, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि इसमें लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी और अफगान शरणार्थी भी हैं। यहाँ पढ़ने वालों को फ्री में रहना खाना उपलब्ध कराया जाता है। इस महीने की शुरुआत में हक्कानिया मदरसे के नेताओं ने तालिबान उग्रवादियों का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिस पर काबुल की सरकार ने नाराजगी जताई थी। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा था, ये संस्थाएं कट्टरपंथी जिहाद को जन्म देती हैं, तालिबानी पैदा करती हैं। वहीं मदरसे के नेताओं ने इस बात को खारिज किया कि संस्था आतंकवादी को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। मदरसे के नेताओं ने कहा, यहाँ छात्रों को योद्धा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। माना जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले लोगों का तालिबान और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के निर्णयों में हाथ रहा है। ये एक तरह का जिहादी करियर बनाने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है। पाकिस्तान को उसके पड़ोसी देश आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए कई बार फटकार भी लगा चुके हैं। तो वहीं अब तक पाकिस्तान 2018 से वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाया। एक बार फिर FATF ने पाक को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। दूसरे देशों से लताड़ खाने के बाद भी पाकिस्तान खुलेआम आतंक की पैदाइश करने में लगा हुआ है। बच्चों को दीन की तालीम देने वाले मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है और इमरान सरकार का इन मदरसों को पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।